अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? आज मैं आपको बहुत मज़ेदार सी क्रिस्पी सी चिकन स्ट्रिप्स बनाना बताती हूँ जो एकदम झटपट से बनाएंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन लेके इसको स्ट्रिप्स वाइज काट लिया है, तो ये सारी चिकन हम इसमें शामिल कर देंगे। और ये मैंने इस तरह से इसके स्ट्रिप्स काटी है। आपको जितने भी बड़े पीस चाहिए उस हिसाब से आप इसको काट लें। इस तरह से मैंने बोनलेस चिकन लेकर और इसके इस तरह से पीसेस बना लिए। आप और बड़े चाहिए तो और बड़े बना लें, और छोटे चाहिए तो छोटे बना लें, आपकी मर्जी है कि आप किस साइज के इसको आपको यूज करना है। ये सारे मैंने इसमें शामिल कर दिए। अब इसमें हम अपने स्पाइसेस डालते हैं। जी सबसे पहले एक चम्मच भर के मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी जो कि मेरा चॉप्ड किया हुआ है। आप चाहे तो पिसा हुआ भी अदरक लहसुन डाल सकती हैं। एक चम्मच मैंने ये डाल दी इसके अंदर। थोड़ा और डाल देते हैं क्योंकि हमारी चिकन तकरीबन 1 kg है, 1 kg तक इसकी स्ट्रिप्स हैं कटी हुई। इसके बाद यहाँ पर हम एक चम्मच सफ़ेद मिर्च पाउडर डाल देते हैं। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च ना हो तो आप ब्लैक पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैं कुटी हुई लाल मिर्च डाल दूंगी, तकरीबन 1 चम्मच जितनी ये कुटी हुई लाल मिर्च चली गई, ये पूरा हो जाएगा ये 1 चम्मच। तो मेरी चम्मच का हिसाब थोड़ा छोटा सा है ये। इसके बाद मैं इसमें यहाँ पर सोया सॉस डालूंगी, ये तकरीबन 1 चम्मच जितना सोया सॉस चला गया। इसके बाद ये आधी चम्मच जितना मैं ये मेरा है गार्लिक सॉस, ये मैं डाल दूंगी। गार्लिक सॉस किसी भी कंपनी का आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद इसमें एक अंडा तोड़ के डाल देंगे। अंडा डालने के बाद इसमें हम हंसते जाएगा नमक जितना पसंद करते हैं। नमक सोच समझ के डालिएगा क्योंकि सोया सॉस में भी ऑलरेडी नमक होता है, इसे मैं अपने हिसाब से नमक इसमें डाल दूंगी। जब अब इन चीजों को हम अच्छे से मिक्स करते हैं हाथ से, आप चाहें तो स्पैचुला की मदद से भी कर सकते हैं लेकिन हाथ से ही करूंगी ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद तकरीबन 3 से 4 घंटे में इसे मैरिनेट करने के लिए रख दूंगी फ्रिज के अंदर। फ्रिज के अंदर रखने के बाद हम अपनी क्रिस्पी सी चिकन को फ्राई करेंगे। और ये देखिए हमें आपको किस तरीके से इसे फ्राई करना बताती हूँ और हम किस चीज़ की कोटिंग के साथ इसको फ्राई करते हैं। बहुत मज़ेदार सी कोटिंग लगने वाली है इसके ऊपर। तो ये इस तरह की चिकन तैयार करके आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। इसका ये है कि इसका कोई सा रैप बना के, चिकन रैप बना के अंदर अच्छी सी सॉस डाल के, और आप ये इसका भी एक रैप बना के स्कूल में बच्चों को लंच पे दे सकते हैं। बहुत सारी है कि चीज़ों में ये स्ट्रिप्स अगर मैरिनेट की हुई होती है तो आपको काम आ जाती है। हाँ जी, चिकन हो गया हमारा मैरिनेट और चिकन को निकाला मैंने फ्रिज में से। इसका ये निकालते हैं प्लास्टिक। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से मैरिनेट हो गया है हमारा चिकन। और यहाँ पर ले लिया है मैंने जो हमारा मैजिक है जिससे हम अपनी चिकन क्रिस्पी से फ्राई करेंगे, ये है मेरा कॉर्नफ्लेक्स जिसे मैंने चूरा कर लिया है। और हम इसमें डाल के अपनी कोटिंग करेंगे अपनी चिकन की। अगर आप चाहें तो इसमें भी हल्का सा लाल मिर्च या का पाउडर या रेड चिली जो है फ्लेक्स भी डालकर उससे भी आप इसके कर सकते हैं, लेकिन ये ऑलरेडी हमारी चिकन में बहुत अच्छा सा मसाला लगा हुआ है। तो ये है कि हम एक चिकन का पीस इसमें से उठाएंगे, इस तरह से इसको कोट करेंगे अपने कॉर्नफ्लेक्स में। आप चाहें तो ओमानी चिप्स से कर सकते हैं, लेस चिप्स से कर सकते हैं, जो आपके घर में अवेलेबल हो। तो लेस चिप्स का है मेरे घर पे लेकिन मेरे पास ओमानी चिप्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन बहुत मजे का क्रिस्पी सा बनता है ये कॉर्नफ्लेक्स से भी। काफी मरतबा ये मैं बना चुकी हूँ, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। आपके सामने भी मैं रेसिपी अपनी ट्राई करूँ। ये देखें इस तरह से पूरा ये मैंने डाला, और ये डालते हैं अपने ऑयल में। क्या था गरम करने के लिए, ये चिकन हमारा क्रिस्पी सा जाएगा इस ऑयल में, और इसे हम करते हैं फ्राई। ये गया हमारा दूसरा पीस, ये डाला हमने अपना तीसरा पीस। इसी तरह से हम सारे कोट करके कॉम्प्लेक्स में और इसमें डालते जाएंगे।
ये जो एक तरफ से गोल्डन से हो जाते हैं, हम दूसरी तरफ से पलट कर इसको गोल्डन कलर सा देंगे। ये कि बहुत ज़्यादा इसको पर आपको नहीं पकाना है, क्योंकि चिकन की चिकन ऐसे बॉनले से गलते जल्दी जाते हैं, लेकिन एकदम अगर आप तेज फ्लेम पे इसको पकाएंगे तो यह है कि ऊपर से कौन सा उसका कलर ब्राउन हो जाएगा, लेकिन अंदर से मेबी आपका चिकन कच्चा रह सकता है। तो इसे मीडियम फ्लेम पे पकाएं। और इसके अलावा अभी आपको इसको बिल्कुल नहीं हिलाना, अगर आप हिलाएंगे तो ऊपर की जो कॉर्नफ्लेक्स की क्रिस्पी सी कोटिंग है वो निकल जाएगी, इसलिए आप थोड़ा एक मिनट दो मिनट तक का इंतजार करिए, इसके बाद में इसे पलटती हूँ। ऑलमोस्ट हमारे एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गया है, हमने इसे पलट दिया है और हम दूसरे इसमें डालते हैं, इसे निकाल के दूसरी अपनी स्ट्रिप्स डालते हैं चिकन की, मैंने निकालती हैं गाइस। अब ये मैंने दूसरे रखे हैं, अभी भी फ्राई हो जाते हैं, फिर ये हम इसे साफ करते हैं। देखिए एक तरह से गोल्डन कलर आ गया है और हमारे क्रिस्पी कॉर्न फ्लेक्स चिकन स्ट्रिप्स रेडी हो रही है, तो एक तरह से कलर आ गया है। अभी दूसरी तरह से हम इसे कलर देते हैं। क्रिस्पी सी चिकन हो गई रेडी, ये इतनी बची है जो कि मैंने मैरिनेट करके मैं रख दूंगी और मुझे ये काम आएगी मेरे बच्चों को स्कूल में लंच में देने के लिए। ये मेरा हो गया है डिनर, मैं आपको डिनर बताती हूँ। डिनर हो गया है रेडी, यहाँ पर मेरा मटन पुलाव भी रेडी है, यहाँ पर मेरी चिकन स्ट्रिप्स भी रेडी हैं जो कि बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार बनी है और बहुत माशाल्लाह अच्छी सी खुशबू आ रही है मटन पुलाव की और इसकी। और ये हो गया है डिनर रेडी। तो आपको अगर मेरे स्किन अच्छी लगी तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए, और ये भी बताइए कि आपने आज का क्या डिनर रेडी किया है। तो ये है कि मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। मेरा इंस्टाग्राम भी है, टिकटॉक भी है, दोनों का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में रखूँगी, इसे भी जरूर फॉलो कीजिएगा। तो वो मैं जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।